गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 9th व्हिच इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें इस वीडियो में चैप्टर जो 9th है आपका फिजिक्स का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो यह चैप्टर, इसके पहले हम कितने अपने केमिस्ट्री के दो चैप्टर हो चुके हैं, केमिस्ट्री के बायो के दो चैप्टर हो चुके हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड, बायो का फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर और फिजिक्स का 8th चैप्टर हो गया। इस प्रकार आपके 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। यह आपका छठवा मतलब 9th चैप्टर है, बट काउंटिंग में आपका 6th चैप्टर छठवा चैप्टर ये हो जाएगा। इसके बाद दो दो आपके हो जाएंगे, दो फिजिक्स, दो केमिस्ट्री, दो बायो के हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके 21 तारीख को आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के कुछ टॉपिक हैं, तो प्रोजेक्ट के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो उस टॉपिक को आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। कुछ टॉपिक हैं तो उनमें आपको एक कार्डशीट में डायग्राम बनाने हैं, और मतलब एक कार्डशीट में दो डायग्राम है तो उन दोनों को कार्डशीट में बनाना है, और जो कुछ मतलब एक फाइल ले लेना, तो उस फाइल में आपको बनाना है प्रोजेक्ट। ओके, जो क्वेश्चन रहेंगे उनको फाइल में आपको कंप्लीट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 18 के इंटेक्स क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। सबसे पहले आपको समझना है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या कहलाता है कि जैसे कुछ भी है, यह बुक है, अब बुक का यहाँ पर मास है, इसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब कितना वजन है इसका। मास क्या कहलाता है? द्रव्यमान। तो यदि यहाँ पर रखा है इसको, तो इसका कितना मास है, तो यह इनर्शिया कहलाता है। जैसे हम यदि कहीं पर बैठे हैं तो हमारा इनर्शिया क्या है, हम बैठे हुए हैं। ओके, मतलब जड़त्व कहलाता है। तो अब हमें बताना कि कुछ एग्जांपल दिए हैं ए बी सी, तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए, तो हमें बताना कि किसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो इसके लिए क्या होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा मास होता है उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका ए कि अ रबर बॉल, एक रबड़ की बॉल है, एक और एक स्टोन है, स्टोन इट मीन्स पत्थर है, ऑफ द सेम साइज, और एक ही साइज के हैं, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो अब हम चलिए आंसर देखते हैं। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मतलब इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाता है, मास से मेजर किया जाता है। ओके, सो इसमें लिखेंगे द ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो जिसका मास ज़्यादा होगा बॉडी का, द ग्रेटर इज द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा, मतलब तो उसका क्या होगा, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, या फिर जिसका इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, तो यह क्या कहलाता है, वाइस वर्सा कहलाता है। इसके साथ साथ इसका आंसर में लिखेंगे हम फर्स्ट के कि मास ऑफ अ स्टोन, जो मास होता है स्टोन का, जो द्रव्यमान होगा वो मोर देन द मास ऑफ रबर, तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा एक रबर के मास से। ओके, जबकि कि वो कैसे हैं, सेम साइज के भी हैं तब भी, क्योंकि यदि हम सेम साइज़ की एक रबड़ की बॉल लेंगे और एक सेम साइज़ की पत्थर को लेंगे, तो पत्थर का वजन ज़्यादा होगा, वेट, तो क्या हो गया, इसलिए इनर्शिया पत्थर का ज़्यादा होगा। सो इनर्शिया ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन दैट द रबर। ओके, सो रबर की बॉल से स्टोन का जो इनर्शिया है वह ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी है, ए बाइसिकल एंड अ ट्रेन, तो एक ट्रेन का ज़्यादा मास होगा या एक बाइसिकल का ज़्यादा होगा, तो मास ऑफ अ ट्रेन इज मोर देन, मास जो ट्रेन का होगा वह ज़्यादा होगा मास ऑफ अ बाइसिकल, एक बाइसिकल से, हैंस इसलिए इनर्शिया ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइसिकल, इसलिए जो इनर्शिया होगा ट्रेन का वह ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बाइसिकल। ओके, बाइसिकल एक साइकिल का यदि हम द्रव्यमान मास की बात करें, और एक साथ में यदि हम ट्रेन की मास की बात करें, तो ट्रेन का जो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बाइसिकल। नाउ थर्ड इज ए 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपीज कॉइन, तो एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है, तो किसका मास ज़्यादा होगा, हम सभी जानते हैं कि एक 5 रुपए के सिक्के का मास ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो इनर्शिया है वह भी 5 रुपए के सिक्के का इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसलिए इसके आंसर में लिखेंगे कि मास ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन इज मोर देन दैट ऑफ 1 रुपीज कॉइन, हैंस इनर्शिया ऑफ द 5 रुपीज कॉइन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ then that of the 1 rupees coin. okay, so that was the question number 1. so if you have any type of doubt, then you can ask me on comment box and as well as whatsapp group also. okay, to aap isko note kariyega aur isko matlab पे क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है, और यदि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपको प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।